तो दोस्तों मस्ती क्लासरूम में आपका स्वागत है। और क्लास स्टार्ट करें इससे पहले ही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको समय से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी होती है उसको भी बजा दीजिएगा, भगवान जी का घंटी है, आवाज आता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला समझे उसके पहले कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा भाग समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट में दो एक्सिसों की चर्चा है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और यहाँ ओ पॉइंट होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं। इस चीज को हमेशा आपको दिमाग में छाप के रखना, कहीं भी कुछ भी दे तो आपको जैसे मूवी बनाते वक्त जैसे कैमरा देखते हैं ना लोग, उसी तरह से कोऑर्डिनेट बनाते समय ये आपका कैमरा इसी में आपको सब कुछ देखना है। कोऑर्डिनेट के अंतर्गत किसी भी पॉइंट को दो पॉइंट से डिनोट करते हैं, एक्स और वाई। जैसे ये अगर पॉइंट P हुआ तो इसको नोटेशन दो भाग में रखता है, पहला भाग X दूसरा भाग Y। इन दोनों को ऑर्डिनेट बोलते हैं और ये दो है तो ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट होता है। एक्स वाई का मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट से अगर इस पर परपेंडिकुलर हम गिराते हैं X एक्सिस पे तो ये जो नीचे का पोर्शन आएगा ये हिस्सा X होता है और ये जो परपेंडिकुलर पोर्शन आएगा ये हिस्सा वाई होता है। यानी ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है, तब जाकर के ये एक्स वाई बनता है। यानी ये ऑर्डिनेट आपको जो है पॉइंट का लोकेशन बताता है कि ये पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से कितना दूरी है, मतलब अगर इधर परपेंडिकुलर गिराएंगे हम, इधर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये बराबर होगा। तो y एक्सिस से जो दूरी हुआ वो इसका x कोऑर्डिनेट होता है और x एक्सिस से दूरी होता है वो y कोऑर्डिनेट, उल्टा होता है। किसी भी पॉइंट का x ऑर्डिनेट से जो दूरी होता है वो y कहलाता है और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से जो दूरी होता है वो x कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसको वन डायरेक्शन में अगर किए यहां से परपेंडिकुलर गिराए तो ये एक्स है और ये वाई है। इसी चीज का यूज आपको जितना भी कोऑर्डिनेट में थ्योरम है सभी में यूज होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत आता है कि जैसे ए और बी कोई पॉइंट है, ए और बी कोई पॉइंट है, ए का ऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट जो है एक्स वन y1 है और b का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है, ये आपको दिया हुआ है और कहता है यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में p है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, जो ये ab को m अनुपात n में काटता है, यानी कि ap बटा pb बराबर है m बटा n, ये दिया हुआ है। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू लाना, प्रूव करना है कि x बराबर हमारा होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन और y बराबर होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। ये चीज ये फॉर्मूला आपको लाना है, ये दिया हुआ है और ये लाना है, एक ये थ्योरम है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, ये थ्योरम है, थ्योरम मैथमेटिक्स का हो या कोऑर्डिनेट का हो, कोऑर्डिनेट भी मैथमेटिक्स में ही है। थ्योरम में आपको पहले कंस्ट्रक्शन करना होता है, पूरा उसका स्टेटमेंट लिखना होता है और तब जाके वो सॉल्व होता है। चूंकि हम कोऑर्डिनेट में है तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें ड्रा करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का इधर वाला हिस्सा एक्स डैश कहलाता है, वाई एक्सिस का इधर वाला हिस्सा वाई डैश कहलाता है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे कि लेफ्ट एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस एंड वाई
वो वाई एक्सिस वाई एक्सिस एंड पी एक्स वाई इज ए पॉइंट विच इज डिवाइडिंग ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इन रेशियो एम इज टू एम। ये सबसे पहले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में इसका, कि ये तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करेंगे, तीनों पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ए से परपेंडिकुलर ए एल खींचा, बी से परपेंडिकुलर पी एम खींचा और बी से परपेंडिकुलर पी एन खींचा, ये ड्रा किया हमने। क्या किया, ए एल परपेंडिकुलर खींचा ओ एक्स पे, ये ओ एक्स हमारा है, साथ ही हमने पी एम परपेंडिकुलर खींचा ओ एक्स पे और साथ ही साथ बी एन परपेंडिकुलर खींचा ओ एक्स पे, ये तीनों परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे खींचा। ये कंस्ट्रक्शन में सारा चीज हम लिखते जाएंगे। ये तीनों परपेंडिकुलर खींचने के बाद फिर से हम दो परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां। ये मान लिया आर पॉइंट है और ये मान लिया एस पॉइंट है, ये हम परपेंडिकुलर खींच लिए। अब जब ये परपेंडिकुलर हमने खींच लिया तो इससे आगे हम क्या लिखेंगे, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट के अनुसार ये आपका एक्स है, यानी यहां से यहां तक का हिस्सा आपका एक्स है, ये दूरी आपका एक्स वन है, सॉरी ये एक्स वन है तो ये एक्स वन है और ये वाई वन है, इसका मतलब ये दूरी आपका वाई वन है, यानी ओ एल बराबर हो गया एक्स वन और ए एल बराबर हो गया वाई वन। इसी तरीका से पी से जो डिस्टेंस है ये वाला दूरी जो है वाई होगा, यानी पी एम और ओ से एम की दूरी हो जाएगा एक्स यहां तक, और बी जो है ये वाई टू है, यानी यहां से लेके नीचे तक ये वाई टू होगा और यहां से लेके यहां तक एक्स टू होगा। यानी हमारे पास क्या है, ए एल बराबर वाई वन, ओ एल बराबर एक्स वन, पी एम बराबर वाई, ओ एम बराबर एक्स, बी एन बराबर वाई टू और ओ एन बराबर एक्स टू। इस चीज को हम लोग इधर लिख लेते हैं, हमारा है ओ एल, ओ एल बराबर है देखिए वो यहां है, ओ एल बराबर एक्स वन एक्स वन, ओ एम बराबर एक्स, ओ एम बराबर एक्स और ओ एन बराबर एक्स टू, ओ एन बराबर एक्स टू, ये पहला है। ए एल बराबर वाई वन, ए एल बराबर वाई वन, पी एम बराबर वाई और बी एन बराबर वाई टू, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ए आर का वैल्यू निकालते हैं, ए आर का वैल्यू निकालते हैं और पी एस का वैल्यू हम, ए आर इक्वल टू क्या होगा, ए आर बराबर हमारा एल एम है, एल एम ये वैल्यू, और एल एम को हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ एल, यानी यहां से जो यहां तक है उसमें से इतना काट देंगे तो हमारा एल एम आ जाएगा। एल एम इक्वल टू क्या होगा, ओ एम में से ओ एल को घटा के ये आ जाएगा हमारा ओ एम माइनस ओ एल, ये वैल्यू जो है क्या है, इतना से पूरा लेके इतना काट लिए तो ये हमारा एल एम आ जाएगा। अब ओ एम, ओ एम का वैल्यू हमारा एक्स है, यहां एक्स हो गया, और ओ एल, ओ एल का वैल्यू हमारा एक्स वन है एक्स वन, यानी ए आर का वैल्यू आ गया एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया ए आर का वैल्यू, नोट कर देते हैं यहां पर, ए आर इक्वल टू आ गया एक्स माइनस एक्स वन। अब हम इसी तरीका से पी एस का वैल्यू निकालेंगे, पी एस जो है वही चीज हमारा एम एन है, पी एस और एम एन बराबर है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पी एस और एम एन बराबर होगा, पी एस बराबर आ गया एम एन और एम एन को सिमिलरली लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एम, इसको लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एम, ये पूरा में से इतना को हटा देंगे तो इतना बचेगा, और ओ एन, ओ एन का वैल्यू है एक्स टू और ओ एम का वैल्यू है एक्स,
यानी पीएच का वैल्यू आ गया हमारा एच टू माइनस एक्स। ये क्या है? एच टू माइनस एक्स पीएच का वैल्यू आ गया। पीएच इक्वल टू एच टू माइनस एक्स। अब इसको मिटा लेते हैं हम, इसका काम फिनिश हो गया। ये सारा चीज आपको सवाल का सोल्यूशन में लिखाता जाएगा, ऐसा नहीं कि ये मिटा रहे तो नहीं है, यहाँ स्पेस कम रहने के कारण मिटा रहा है, वो सारा आपका सोल्यूशन में आएगा। अब हम वैल्यू निकालेंगे पी आर और बी एस का। हम निकालते हैं पी आर, पी आर का वैल्यू, पी आर, पी आर का वैल्यू क्या होगा? पी आर का वैल्यू हो जाएगा ये पूरा में से इतना घट जाएगा, यानी पी एम में से आर एम घट जाएगा, पी एम माइनस आर एम। अब देखिए पी एम को पी एम रहने देते हैं, आर एम और ए एल हमारा बराबर है, तो ये हो गया ए एल, आर एम की जगह ए एल रख दिया। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं पी एम, पी एम का वैल्यू है वाई और ए एल, ए एल का वैल्यू है वाई वन, यानी जैसा हमारा एक्स माइनस एक्स वन आया था वैसे पी आर का वैल्यू आ गया y माइनस वाई वन, पी आर का वैल्यू आ गया y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन। अब दूसरा हम बी एस का वैल्यू निकालते हैं, बी एस का वैल्यू, तो बी एस का वैल्यू भी निकालेंगे तो ये पूरा में से इतना कट जाएगा, पूरा का माइनस वाई टू, और इतना कटेगा, इतना का मतलब ये वाला हुआ, ये पी एम का जो कि y है, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y, इसको भी लिख के ही करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख के ही बनाएंगे, और इस तरीका से होगा। ये हमारा इतना सारा वैल्यू आ गया जिसका हमें यूज करना है। यहाँ एक और चीज आपको दिया हुआ है जो यूज करना है, AP बटा PV, ये दिया हुआ क्या AP बटा PV, ये स्टेटमेंट से था M बटा N, ये भी आपको यूज करना है, यानी इतना मटेरियल आपको यूज करना है, ये एपी बटा। अब हमारा फिगर में से नीचे से और कट करते हैं लिखने के लिए, ये इतना मिटा लेते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए पी आर और पी बी एस, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये स्ट्रेट रे जा रहे इसके पैरेलल ये दोनों है, तो ये एंगल बराबर है, तो दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है, ट्रायंगल ए पी आर जो है सिमिलर है ट्रायंगल बी बी एस के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर में आप पढ़े ही हैं मैथमेटिक्स में कि साइड से जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी ए पी बटा ये हो जाएगा ए पी बटा इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का, पी बी बराबर इस ट्रायंगल का बेस ए आर बटा उस ट्रायंगल का बेस, पी एस बराबर इस ट्रायंगल का हाइट, पी आर बटा उस ट्रायंगल का हाइट बी एस। क्या क्या आ गया? ए पी बटा पी बी बराबर हो जाएगा ए आर बटा पी एस, और बराबर हो जाएगा पी आर बटा बी एस, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो स्पेस नहीं है तो ट्रायंगल का भी अब हमारे पास से काम खत्म हो गया है, तो ट्रायंगल को भी डिलीट कर देते हैं, और ये जो आया है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो, हमारा बोर्ड खाली हो गया इतना। अब देखिए हम इतना हिस्सा को लेके चलते हैं, ए पी बटा पी बी बराबर ए आर बटा पी एस। अब देखिए जो वैल्यू हम लोग निकाले थे उसमें से रख देते हैं, एपी बटा पी बी इसका वैल्यू है एम बटा एन, ए आर, ए आर का वैल्यू हमने लिखा था एक्स माइनस एक्स वन, और पी एस, पी एस का वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स। अब इससे हमें एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो इसको तीसरा गुणा करते हैं तो आ जाएगा एम को एक्स टू से करेंगे, एम एक्स टू माइनस एम एक्स बराबर एन एक्स माइनस एन एक्स वन। अब एम एक्स वाला को उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहे हैं तो आ जाएगा हमारा एम एक्स अब प्लस एन एक्स इक्वल टू, ये इधर आएगा तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे एम प्लस एन, और इधर हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ये कॉमन जब उधर जाएगा तो
तो नीचे बटा में आ जाएगा एम प्लस एल, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, तो यानी एक्स बराबर आ गया हमारा ये। यही चीज हमें लाना था कि x का वैल्यू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वाई फाइव एम प्लस एल होगा। उसी तरीका से आगे चलते हैं, पहली पार्ट लेते हैं, अब इसको इसको लेके एपी बटा पीबी बराबर थर्ड लेते हैं पी आर बटा बी एस। एपी बटा पीबी आपका एम बटा एन था, एम बटा एन बराबर पी आर, पी आर का वैल्यू वाई माइनस वाई वन है, y माइनस वाई वन, और बी एस का वैल्यू वाई टू माइनस वन वाई टू माइनस वाई। देखिए जैसा ये आया था सेम टू सेम ऐसा है, खाली x की जगह y है, यानी उसका भी रिजल्ट सेम ऐसा ही आएगा, यानी y बराबर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, अब जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, y बराबर आ जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ये आपका y का वैल्यू आया। यानी जो हमारा डिवाइड कर रहा था पॉइंट पी एक्स वाई, उसका कोऑर्डिनेट हमारा आएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वाई बाई एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन। थोड़ा सा बोर्ड छोटा रहने के कारण इधर उधर मिटा के मुझे काम करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि आप बेहतर तरीका से समझे होंगे। जहां पर ना समझ में आया है वहां कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। तो आज यहीं पर वीडियो अंत करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।